हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलो दोस्तों, आज बात करेंगे कंप्यूटर और आज का जो कि चैप्टर है यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर के सभी एमसीक्यू को करेंगे जो पिछले साल पूछा गया है और इस बार भी पूछने की संभावना है। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों, आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी का लिंक मिल जाएगा। आप लोग सभी को फॉलो कर लीजिए, बारी बारी से सभी पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज का सबसे पहला प्रश्न है, लिनक्स में प्रत्येक फाइल या निर्देशिका को विशिष्ट रूप से एक पहचानकर्ता द्वारा पहचाना जाता है जिसे डैश कहा जाता है, यानी कि पहचानकर्ता द्वारा। और दोस्तों, पहचानकर्ता द्वारा जो यानी कि पहचाना जाता है यानी कि आई नोड के द्वारा। किसके द्वारा? आई नोड के द्वारा। ऑप्शन किसमें दिया हुआ है? आई नोड के द्वारा पहचान किया जाता है। ए में कह रहा है टी नोड, तो टी नोड के द्वारा नहीं पहचान किया जाता, नहीं वी नोड के द्वारा पहचान किया जाता है, नहीं पी आई डी के द्वारा पहचान किया जाता है। ओनली फॉर आई नोड के द्वारा पहचान किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, विंडो 10 को किस वर्ष जारी किया गया था? किसका कार है? यानी कि विंडो 10 का कार है। ठीक है, विंडो 10 का कार है। और दोस्तों, यानी कि विंडो 10 को जो जारी किया गया था, इसे जो है यानी कि 2015 में जारी किया गया था। कितना ईस्वी में? 2015 में। ऑप्शन किस में दिया है? 2015। ए में करा 18 में, तो 18 में आया नहीं था, न 17 में आया था विंडो 10, न 2010 में आया था, ओनली फॉर 2015 में आया था, जो कि डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, वर्ष 2019 तक की अवधि तक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम संस्करण, ठीक है, नवीनतम संस्करण कितना था? ठीक है, कितना, कौन सा, यानी कि नवीनतम संस्करण। और 2019 तक दोस्तों यानी कि नवीनतम संस्करण था, ठीक है, ये विंडो 10 था। क्या था? विंडो यानी कि 10 था। ऑप्शन किस में दिया है? विंडो 10। ए में कह रहा है यानी कि 8, तो विंडो 8 नहीं था, ना विंडो यानी कि 16 था, ना विंडो 7 था, ओनली फॉर विंडो 19 तक जो है यानी कि 10 था, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है विंडो 7 के डैश अलग अलग यानी कि संस्करण है, जिसमें से प्रत्येक अलग अलग प्रत्येक अलग है लेकिन परस्पर व्याप्त क्षमताओं के समुच्चय से मुक्त है। ठीक है ना, विंडो 7 कह रहा है। क्या कह रहा है? यानी कि विंडो 7 कह रहा है। और देखिए दोस्तों, विंडो 7 के यानी कि अलग अलग संस्करण है जिसमें प्रत्येक का जो क्षमता होता है समुच्चय होता है। ये दोस्तों यानी कि जो लगभग होता है यानी कि 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। ऑप्शन किस में दिया है? 6। ए में कह रहा है 7, तो 7 नहीं होगा, ये 6 होगा, जो कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लिनक्स एक डैश है क्या? यानी कि लिनक्स, और दोस्तों यानी कि लिनक्स एक प्रकार का है ना, लिनक्स एक प्रकार के यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना, ऑप्शन किस में दिया है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ए में कह रहा है यानी कि एडवेयर, तो एडवेयर नहीं है, ना लैंग्वेज यानी कि प्रोसेसर है, ना वर्ड प्रोसेसर है, ये जो है दोस्तों यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विंडो 7 का मान्य संस्करण नहीं है? ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि लर्नर। क्या कह रहा है? ऑप्शन ए में तो लर्नर कह रहा है, और लर्नर दोस्तों यानी कि इसका मान्य संस्करण नहीं है, जबकि यानी कि इंटरप्राइज प्रोफेशनल और अल्टीमेट ये सब जो है यानी कि संस्करण है विंडो 7 का। ठीक है, विंडो यानी कि 7 का ये सब यानी कि संस्करण है, लेकिन यानी कि लर्नर जो है यानी कि इसका यानी कि संस्करण नहीं है। तो राइट आंसर नहीं वाला पहचाना, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आज का दिया है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज एक्सप्लोर या फाइल एक्सप्लोर खोलने के लिए कीबोर्ड क्या है? तो दोस्तों इसका यानी कि कीबोर्ड है विंडो की, ठीक है, विंडो की, और प्लस में यानी कि ई को अगर प्रेस करते हैं तो यानी कि उसका फाइल जो होगा खुल जाएगा। ऑप्शन किस में दिया है? इनमें करा विंडो की प्लस डब्ल्यू, तो विंडो की प्लस डब्ल्यू से यानी कि फाइल नहीं खुलेगा, ना कंट्रोल ना एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ से, ना विंडो की प्लस एफ से, ओनली फॉर विंडो की प्लस यानी कि ई से जो है फाइल एक्सप्लोर खुल जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, लिनक्स के बारे में लिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो ए में दिया लिनक्स की एक अनूठी विशेषता है कि इसमें नर्ले नहीं होता है। बी में दिया लिनक्स का उपयोग एम्बेडेड सिस्टम में भी किया जाता है। सी में दिया इसे बिना सॉफ्टवेयर लाइसेंस के कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जा सकता है। और डी में दिया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है ना, तो यानी कि सही नहीं है, वो गलत वाला विकल्प को हमको चुन करना है। ठीक है ना, देखिए दोस्तों यानी कि ए में जो दिया है लिनक्स की अनूठी विशेषता है, इसके पास लर्नर नहीं होता, ये तो गलत दिया है, क्योंकि कर्नल जो है यानी कि सबके पास होता है। ठीक है, वो भी यानी कि लिनक्स का, क्या किसका कहना है, यानी कि लिनक्स का, लिनक्स के पास अत्यंत रहता ही है ना।
तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, विंडो में डैश विकल्प के तहत विकल्प का उपयोग करके कीबोर्ड को नियंत्रित और अनुकूलित किया जा सकता है। ठीक है, नियंत्रित और अनुकूलित। और दोस्तों यानी कि नियंत्रित और अनुकूलित जो किया जाता है कंट्रोल पैनल से। कौन सा? कंट्रोल यानी कि पैनल से। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? कंट्रोल पैनल। तो ए में कह रहा है यानी कि क्या, डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप जो है यानी कि नहीं होता है, टास्क बार होगा। ये कंट्रोल पैनल जो दिया है ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल कार्य नहीं है? ए में कर रहा है कंप्यूटर हार्डवेयर का नियंत्रण करना, बी में कर रहा है मेमोरी मैनेजमेंट करना, सी में कर रहा है यानी कि डेटा मैनेजमेंट करना, और डी में कंट्रोल इनपुट और आउटपुट। देखिए यानी कि इसका जो कार्य नहीं है ये डेटा को मैनेजमेंट नहीं करता है। ठीक है ना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल कार्य जो है डेटा को मैनेजमेंट नहीं करता है, लेकिन इसका कार्य है कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रण करना और साथ ही साथ यानी कि मेमोरी मैनेजमेंट कंट्रोल इनपुट और आउटपुट का कार्य करता है, लेकिन यानी कि डाटा मैनेजमेंट का कार्य ये नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक डैश है जो हार्डवेयर के उपयोग को नियंत्रित और समन्वित करता है। ठीक है, और दोस्तों यानी कि ये जो करता है, ठीक है, ये करता है आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। ऑप्शन किस में दिया है? ए में कर रहा है माइक्रो प्रोसेसर, तो माइक्रो प्रोसेसर नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है, जो कि बी में दिया हुआ है। ठीक है ना, राइट आंसर जो होगा बी सही हो जाएगा। और सी में दिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता, नहीं करता है ना, एडवेयर सॉफ्टवेयर करता है। अगला प्रश्न आज का दिया है, विंडोज ओएस का उपयोग करके प्रिंटर जोड़ने तथा घटाने के लिए डैश में ऐसे प्रिंटर आइकन पर क्लिक करें। तो ठीक है, प्रिंटर आइकन पर जो क्लिक किया जाता है ये प्रिंटर आइकन यानी कि कंट्रोल पैनल पे। ठीक है, किस पे? कंट्रोल पैनल पे क्लिक किया जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन किस में दिया है? ए में है कंट्रोल पैनल, बी में है टैक्स बार पे नहीं क्लिक करते, ना प्रिंट फोल्डर पे, ना प्रिंट प्रबंधक पे क्लिक किया जाता है, ओनली फॉर कंट्रोल पैनल पे क्लिक किया जाता है, जो कि ए में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल कार्य नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का यानी कि मूल कार्य जो नहीं है, नहीं वाला हमको पहचानना है। ए में कार्य कंप्यूटर के ऑपरेशन को नियंत्रित करना, बी में एक दूसरे से संबंधित डेटा के सेट का प्रबंधन करना, सी में इनपुट और आउटपुट को नियंत्रित करना, डी में यानी कि फाइलों का प्रबंधन करना, यानी कि गलत वाला पहचानना है। और गलत जो है एक दूसरे से संबंधित डेटा सेट के प्रबंधन करना, ये जो है यानी कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का कार्य नहीं है। ठीक है, राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाए, क्योंकि नहीं वाला पहचानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन सर का दिया हुआ है, लिनक्स के संदर्भ में लिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? यानी इसमें भी गलत ही पहचाना। ए में कह रहा है उबंटू लिनक्स का लोकप्रिय संस्करण है, लिनक्स केवल कमांड लाइन इंटरफेस प्रदान करता है, सी में लिनक्स तैयार करने के लिए उपयोग किया गया कोड निःशुल्क है, और लोगों द्वारा देखे जाने, संपादित किए जाने का और उपयोग किए जाने के लिए उपलब्ध है, और डी में यह यूनिक्स जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखिए यानी कि गलत जो इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना, बी में जो कह रहा है लिनक्स केवल कमांड लाइन इंटरफेस प्रदान करता है, ये गलत है। ठीक है ना, कि कमांड लाइन इंटरफेस प्रदान नहीं करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सच का दिया हुआ है, विंडोज में एक नया फोल्डर बनाने के लिए अगर किसका उपयोग करेंगे? नया फोल्डर कह रहा है, ठीक है, यानी कि नया फोल्डर बनाने के लिए, नया फोल्डर अगर बनाएंगे तो उसमें यानी कि जो चयन करेंगे, है ना, जो इस की का उपयोग करेंगे, सबसे पहले किसका उपयोग करेंगे? तो विंडोज एक्सप्लोर या फाइल एक्सप्लोर का उपयोग करेंगे, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझोगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।